हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप, राइट। टी फ्लिप फ्लॉप, सो बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। सो हाउ वी कैन डिज़ाइन टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो बेसिकली दिस टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप आर एप्लीकेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। सो वी विल मेक टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो जे के एंड देन क्यू एंड देन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्लॉक है। सो अगर टी को, ये टी को आप दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये हमारा जो जे के फ्लिप फ्लॉप था वो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी है। और जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आप लोग वीडियो में, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो बेसिकली जे के फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा आउटपुट का इक्वेशन था क्यू एन प्लस वन, वो हमारा था, और एक्साइटेशन टेबल ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन था वो था जे क्यू एन कम्प्लीमेंट प्लस के कम्प्लीमेंट क्यू एन। तो अब देखो अगर टी फ्लिप फ्लॉप का जो इक्वेशन हो जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप, वो क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन में जे की जगह पे हम लोग ऐड कर देंगे टी, क्यू एन कम्प्लीमेंट प्लस के की जगह पे टी कम्प्लीमेंट एंड देन क्यू एन, राइट। सो ए बार बी प्लस ए बी बार, ये क्या होता है, एज और बी होता है, राइट। सो आप यहाँ से देखो ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये जो क्यू एन प्लस वन हो जाएगा वो हो जाएगा टी और क्यू एन, राइट। सो ये हमारा हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो ट्रूथ टेबल अगर हमें निकालना है जे टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल, ये इक्वेशन हो जाएगा, और टी इजिकल टू क्या हो जाएगा क्यू एन जॉर क्यू एन प्लस वन, ये ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली आप बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन आए तो, वरना आपको ये तो सिंपल था, आप इसको ही कर सकते हो, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। तो ट्रूथ टेबल में हमें टी है देन क्यू एन प्लस वन, तो टी वन है तो ज़ीरो वन, सो क्यू एन प्लस वन। देखो अगर टी ज़ीरो है, टी इजकल टू ज़ीरो दोगे तो क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, अगर प्रीवियस स्टेट यहाँ पे मान लो ज़ीरो है तो ज़ीरो 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 एंड देन वन, सेम सेम आएगा, ठीक है। ये सेम यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर टी इजकल टू ज़ीरो है तो यहाँ पे हमारा क्यू एन आएगा और वन रहेगा तो टी का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो प्रीवियस आउटपुट का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है उसको मैं एक बार समझा सकता हूँ, लेट्स सी। देखो ये कैसे आया, बेसिकली आप यहाँ पे टी की जगह पे ज़ीरो पुट करोगे तो ये हमारा क्यू एन आ जाएगा, और अगर आप टी की जगह पे वन पुट करोगे तो ये हमारा क्यू एन कम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप जोर ऑपरेशन से देख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप आया। अब हमें एक्साइटेशन टेबल देखना है, ठीक है। तो हमें क्यू एन होगा, क्यू एन प्लस वन होगा, ठीक है। सो ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन, ठीक है। अब देखो तो एक्साइटेशन टेबल देखने के लिए हमें टी का इक्वेशन देखो, तो टी इज इक्वल टू जॉर ऑफ क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन, तो जॉर ऑफ सेम इनपुट ज़ीरो होता है और वन होता है, आप जॉर करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक वेवफॉर्म के थ्रू देखना है, ठीक है। सो ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप हो गया टी एंड देन
क्लॉक एंड देन क्यू एंड देन क्यू कॉम्प्लीमेंट. ओके सो सपोज वी हैव क्लॉक ठीक है, ये क्लॉक है और ये हमारा ये क्लॉक हो गया, ये हमारा टी हो गया ठीक है. मान लो टी हमारा इस तरह से ठीक है, इस तरह से टी है तो हमारा क्यू एन प्लस वन का वेव निकालना होगा ठीक है. तो ये भी हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे काम कर रहा है सर्किट ठीक है. तो यहाँ पे देखो सो प्रीवियस आउटपुट हमें जीरो मान के चलते हैं ठीक है. अब हमारा जो क्लॉक जैसे ही वन यहाँ से जीरो से वन ट्रांजिशन करेगा यहाँ पे टी है तो जो क्यू एन प्लस वन क्या होता है टी, अगर हमारा टी जीरो रहेगा तो सेम रहेगा और अगर हमारा वन रहेगा तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ से हमें एक क्यू एन निकालना पड़ेगा दोस्तों. सो मान लो कि प्रीवियस ये इस तरह से इसका इक्वेशन ये हमारा वेव फॉर्म है क्यू एन का ठीक है. ठीक है तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिगर होगा तो टी इजकल टू ज़ीरो है तो जो हमारा आउटपुट रहेगा वो नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन ही रहेगा. तो क्यू एन यहाँ पे ये क्या था ज़ीरो, सो ये ज़ीरो रहेगा टिल द नेक्स्ट क्लॉक ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर होगा, यहाँ पे ट्रिगर होगा तो यहाँ पे क्या है वन है टी तो वन पे हमारा जो आउटपुट होता है क्यू एन प्लस क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट. ये ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा राइट. ये हमारा नेक्स्ट क्लॉक तक जाएगा यहाँ तक. जैसे ही हमारा यहाँ पे ट्रिगर होगा और टी इज इक्वल टू क्या है वन और क्यू एन क्या है ज़ीरो तो सेम रहेगा, ज़ीरो रहेगा तो क्यू एन ही रहेगा ठीक है. तो यहाँ से ये जाएगा. अब यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे क्लॉक पे आएगा यहाँ पे टी क्या है वन है तो वन रहता है तो हमारा जो क्यू एन प्लस वन होता है वो क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये वन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो. तो ये हमारा वेव फॉर्म से हम लोग समझे जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन था ट्रूथ टेबल उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये बनाए हैं ठीक है गाइस. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द टी फ्लिप फ्लॉप. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ओके थैंक यू.